वेलकम टू बी एड विद गगनदीप कौर चैनल एवरीवन। तो अज की वीडियो दे विच मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ते डिस्कस करने वाली हाँ, इसलिए वीडियो नू ध्यान नाल देखियो, एंड तक जरूर देखियो। जो वीडियो नू तुसी देखना स्टार्ट कर ही दिता तो 5-7 मिनट जरूर इस वीडियो नू सुनने ते लायो, क्योंकि ये टॉपिक हो सकता है तुहाडी लाइफ दे लई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होवे, सुन वाला होवे, तो हो सकता है तुसी इस तो अवेयर हुण तक ना होवो। जे तुसी बी एड भी कर रहे हो, पी एस टैट भी क्लीयर कर चुके हो, जब बी एड भी क्लीयर कर चुके हो, पी एस टैट 1 या 2 जो भी क्लीयर कर चुके हो, बट तुसी इस वीडियो नू ध्यान नाल नहीं सुनते, तो तुसी एक बहुत ही अहम जिहड़ी चीज़ आ उसनू मिस कर सकते हो, जे तुहानू इसकी ऑलरेडी नॉलेज नहीं हैगी। तो अज की वीडियो दे विच मैं डिस्कस करन वाली हाँ मास्टर कैडर की जिहड़ी 55% वाली शर्त है उस दे बारे दे विच, कि ये शर्त की है, किस ते लागू हुंदी है, कि सानू इस बारे पता होना चाहिए, किस ते लागू हुंदी है, ते जे ये लागू हो जाती है तो की होने वाला है। तो इस शर्त के बारे में मैं लागू गल कर जा रही हाँ। तो सब तो पहला मैं दस दिनी हाँ कि देखो, जो भी मास्टर कैडर का पेपर देवेगा, कौन एलिजिबल है उस दे लई, तो जिहड़ियां हुण नवीं शर्तां आउण वालियां ने, लागू होण वालियां ने, उन्हां अनुसार जिस व्यक्ति ने ग्रैजुएशन की है विद 55% वो पास हो, तो प्लस उहदा पी एस टैट जो लैवल 2 का पेपर देन जा रहा, तो लैवल 2 पी एस टैट का क्लीयर हो, फिर वो मास्टर कैडर वास्ते एलिजिबल है। जो उसने पी एस टैट क्लीयर कर लिया तो वो ग्रैजुएशन के 55% तो नंबर घट ने ऑल कैटेगरी के लिए, तो वह फिर मास्टर कैडर का पेपर देन दे एलिजिबल नहीं मनिया जाएगा। जदों कि पहला की हुंदा सी, हुण तो पहला जिन्नियां भी भर्तियां होईयां उस दे विच जनरल ते ओ बी सी एस बी सी कैटेगरी के लिए की हुंदा सी 45% हुंदे सी, ते एस सी कैटेगरी लई ते जिवें कि उन्हां दे लई अदर जिहड़ियां होर क्लासेस बच जांदियां ने उन्हां दे लई 40% हुंदे सी, ते हुण जिहड़े कि सारिआं लई 55% होण जा रहे ने हुण आउण वालीआं नवीआं भर्तियां दे विच। तां इसनू रोकना बहुत जने चाहते ने, बहुत जने चाहते ने कि ये लागू ना हो, फिर ही हो सकता जे असी सारे एक मुठ हो जाने तो सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन करते हैं, रोस प्रदर्शन करते हैं कि सानू ये नहीं मंजूर। देखो ये क्यों नहीं मंजूर, क्योंकि अज तो जिन्हें 5-7 साल पहला बी ए की है, ग्रैजुएशन की है ना, कोई भी चाहे बी एस सी की है, जो भी ग्रैजुएशन वो को डिग्री है 5-7 साल पहला 8 साल पहला, तो उस समय के जे कोई प्राइवेट की है किसी ने, तो वह 55% बिल्कुल ही नहीं बनते, 50% 45% मुश्किल बनते, तो जे वह 55% नहीं तो क्यों, कारण की है, असं ये पूछना चाहते हैं सरकार तो क्यों नहीं वो एलिजिबल, कि उसके कोल असी परसेंटेज नू नॉलेज दे नाल जज कर सकते हैं, कि इहदा मतलब उहदे कोल नॉलेज नहीं है, कि वह पढ़ाउण दे काबिल नहीं, जो उसने ग्रैजुएशन तो बाद बी एड भी कर ली जाए तो फिर उसनू बी एड भी ना करन दिता जाता 45% दे नाल, हुण जो उहने बी एड भी कर ली, पी एस टैट भी क्लीयर कर लिया, उस तो बाद मास्टर कैडर च आके तुसी एक शर्त रखती भी 55% होण, फिर ही वह बंदा जिहड़ा पेपर दे सकदा, तो इह सरासर नाइंसाफी है। इंसान जे काबिलियत रखता सी फिर ही उसने पी एस टैट क्लीयर किया, ठीक है, फिर ही उसने बी एड क्लीयर की, फिर ही वो इस मुकाम पर पहुँचा, तो फिर तुम उस पेपर देन तो रोक रहे हो सिर्फ एक बेतुकी जी शर्त रख के। हुण एक सपोज करो जिहड़ा यू पी एस सी का पेपर दे रहा बंदा, ठीक है, उत्थे कोई परसेंट की शर्त नहीं रखी होंगी, उन्होंने 40% वाला 35% वाला भी क्लीयर कर दिंदा तो टॉपर भी बन जाता, कारण भी असी जो हुण दोबारा फिर मास्टर कैडर का पेपर देवे तो उदो असी पढ़ के देवे ना, बिना पढ़े तो नहीं पेपर देन लगे, जो असी पढ़ के दोबारा पेपर देना, या तो ये हो सीधा 55% वाले जॉब मिल रही हो, फिर भी मनिया भी ठीक है 55% वाले इन्होंने चक ले तो उन्होंने जॉब देती, जो देनी तुसी पेपर लैके आ तो फिर सारे एलिजिबल करो, सारे मौका तो दो, हो सकता 45 ये 55% वाली शर्त पिछे जोड़ा कोई लायक बच्चा बैठा है, ठीक है, जिहड़ा मेहनत भी कर रहा, जिन्हों नॉलेज भी पढ़ाउण दी, जिहदे अंदर दिलचस्पी भी आ, जिहड़ा सिर्फ जॉब लई नहीं अपनी दिलचस्पी लई अपने शौक लई उहदे एक अंदर भावना भी मैं बच्चों को कुछ वधिया सिखावां दे लई बैठा होया, दूजा एक 55% वाला 70% वाला बैठा जिहदी सिर्फ एक ही एम है भी उहने अर्न करना, एक पासे बैठा जिहड़ा कहिंदा मैं भावना नाल पढ़ाउणा पर उहदे परसेंट घट आ, फिर उह एलिजिबल नहीं, की उसनू मौका नहीं मिलना चाहिए,
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਫੀਕਲਟ ਐਗਜ਼ਾਮ UPSC ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ 35-35% ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਸ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੋਕ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 55% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਸਨੇ PSTET ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੁੱਕਸ ਚੱਕਣੀਆਂ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋਬ ਵੀ ਛੱਡਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ 55% ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ। 40-45% ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਸੈਂਟ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ 55% ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ 55% ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਊ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਊ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 55% ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਯੂਟਿਊਬ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈਐਸਟ ਪ੍ਰਸੈਂਟ ਲੈ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੈਂਟ ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੇਪਰ ਪੈਟਰਨ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ MA ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੇਈਏ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ MA ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ। ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਆ 55% ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ 55% ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਗੇ। ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ।